च्यवनप्राश से भी ज्यादा असर है। तो मेरी आपको आज के लिए ये आखिरी सूत्र थी कि आप अपने जीवन में वात पित्त कफ तीनों को सम रखना चाहते तो आंवला हरडे बहेड़ा आंवला इन तीनों का उपयोग करना सीख लीजिए। घर में हमेशा इसको डब्बे में बना के पाउडर के रूप में रख लीजिए। अब आप कहेंगे इन तीनों को एक साथ खाएं, आप अकेला आंवला भी खा सकते हैं। आंवला तीनों दोष दूर करता है वात पित्त कफ, हरडे तीनों दोष दूर करता है वात पित्त कफ, और बहेड़ा तीनों दोष दूर करता है वात पित्त कफ। इसलिए भागवत जी कहते हैं सर्वोत्तम फल यही है आंवला हरडे बहेड़ा। दूसरे फलों से कई गुने ज्यादा ताकतवर यही फल है आंवला हरडे बहेड़ा। अब आपको आखिरी एक छोटी सी बात कह दूं कि आप में से किसी को भी ये तकलीफ है कि आपके शरीर में मेद बढ़ा हुआ है, मेद माने मांस बढ़ा हुआ है, बहुत लोग परेशान है मोटापा, मेद माने कफ बढ़ा हुआ है, सीधी सी बात, तो आप त्रिफला खाइए। कब खाना है आपको? रात को नहीं खाना है, सवेरे खाना है। जिनको भी मांस बढ़ा है शरीर पर, मेद बढ़ा है, उनको अगर छाटना है, इसको कम करना है, तो त्रिफला सवेरे खाना, आंवला सवेरे खाना। आप त्रिफला नहीं खा सकते तो आंवला ही खा लीजिए, चार आंवले तीन आंवले रोज खा लीजिए, आंवले को मुरब्बा बना के खा लीजिए, मुरब्बा को और आंवले का अचार बना के खा लीजिए, आंवले की चटनी बना के खा लीजिए, जैसे भी है आंवला खा लीजिए। तीन से चार आंवला जितना होता है ये पेट में जाते रहे तो साल भर में आप देखोगे आप पहले से ज्यादा स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे। और आंवले के बारे में आज के जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, आज के वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंटल फल कोई है तो वो यही है। एंटीऑक्सीडेंट माने जो ऑक्सीडेशन की क्रिया को कम करे, और शरीर में हमेशा ऑक्सीडेशन चलता है, ऑक्सीडेशन में उम्र कम होती है, शरीर के हर अंग का क्षय होता है। तो अगर उम्र बढ़ानी है और अंगों का क्षय बचाना है तो आंवले से अच्छी कोई चीज नहीं। दैनिक जीवन में भोजन में इसको जरूर धारण करिए। भागवत जी कहते हैं कि जब त्रिफला खाएं, आंवले के बारे में तो वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं साल भर खाओ, दो साल खाओ, रोज खाओ, कोई दिक्कत नहीं। त्रिफला खाएं तो तीन महीने लगातार खाने के बाद थोड़े दिन छोड़ देना, तीन महीने 90 दिन खा के थोड़े दिन छोड़ देना, माने 15-20 दिन छोड़ देना, फिर अगले 3 महीने खा लेना, फिर 15-20 दिन छोड़ देना, फिर 3 महीने खा लेना। क्यों कर लेना ऐसा? वो कहते हैं कि ये छोड़ना जरूरी है बीच में, नहीं तो शरीर को आदत लग जाती है, और वो आपने अगर छोड़ा नहीं तो आपको कुछ दुष्परिणाम भी दे सकता है। लगातार अगर त्रिफला खाया तो कई दिन ऐसा लगेगा कमजोरी आ गई, अगर बीच में छोड़ा नहीं तो। छोड़ के खाना। अब किसी व्यक्ति के लिए ये छोड़ने का समय है वो 3 महीने से थोड़ा पहले भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैंने बीच का बताया, 3-3 महीने करके छोड़ छोड़ के खाना। अब आज के लिए सूत्र इतना ही, आगे प्रश्न जी। मात्रा कितनी? मात्रा मैं बता देता हूं, जिनको वजन कम करना है, वजन कम करने के लिए त्रिफला या आंवले का उपयोग करना है तो आंवला 3 से 4 और त्रिफला हमेशा बड़ा टी स्पून, एक तो छोटी चम्मच होती है एक थोड़ी बड़ी चम्मच, तो 1 चम्मच। हाँ, गुड़ के साथ सुबह, नहीं तो शहद के साथ। और जिनको रेचक के रूप में उपयोग करना है पेट साफ करने के लिए, आंतों की सफाई करने के लिए, वो रात को खाएं। रात को भी आंवला लगभग 1 चम्मच, लेकिन छोटी चम्मच। कैसे खाना है? गुड़ के साथ कैसे मिलाएं? आंवले का चूर्ण आपके पास है, थोड़ा गुड़ ले लो, चूर्ण और गुड़ को ऐसे हाथ से मसल दो, वो लड्डू जैसा हो जाएगा, गुड़ उसको अपने में समा लेगा, फिर गुड़ खा लो, पीछे से थोड़ा दूध पी लो। मैंने आपको कहा था कि भागवत जी कहते हैं कि दूध एक ही चीज के साथ पिया जा सकता है, वो है आंवला। क्या कहते हैं बहेड़ा को? तानी। आप ऐसा करिएगा, ये प्रदीप भाई की दुकान पे चले जाइएगा, वो आपको शक्ल से दिखा देंगे, या कल यहां मंगवा के थोड़ा रख दीजिए पहचान करने के लिए कि हर